प्यारे भैया बहन, आज हम लोग पेरिमीटर एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज नंबर 76 का रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सोल्व कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए टैंक, एक टैंक है आर 12 मीटर, 7 मीटर एंड 5 मीटर, हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन इट। तो बताइए कि उसमें पानी कितना अटेगा, कितना आएगा, उसको बताइए। शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ द टैंक अपनी मर्जी से लिखेंगे हम लोग। 12 डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसका दिया हुआ। ब्रेथ ऑफ द टैंक 7 मीटर, हाइट ऑफ द टैंक 5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ द टैंक L×B×H। एल कितना है? 12, बी 7 और ये 5। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 × 5 = 60 होता है। 60 और 7 को आराम से गुणा कर लेंगे, 6 से बन जाए 42, 42 पड़े भी हो मीटर क्यूब, यानी 420 क्यूबिक मीटर। यानी वाटर कैन बी फिल्ड इन द टैंक इज इक्वल टू 420 क्यूबिक मीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कोई एरिया मतलब साइड उसका दिया हुआ, किनारा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर ए में 17 मीटर, बी में 31 सेंटीमीटर एंड सी में 16 सेंटीमीटर। ए नंबर साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 17 मीटर, हम लोग बनाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड इनटू साइड इनटू साइड, लिख लिए 17 मीटर × 17 मीटर × 17 मीटर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 4913 मीटर का पावर 3 आ गया। अब 4913 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग बी लिख लेंगे, यहां पर 31 कर देंगे, और यहां पर 31 × 31 × 31 होगा, यानी 31 cm × 31 cm × 31 cm। क्लियर? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों को, 31 × 31 × 31। तो 31 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2979 2979 1 मीटर का पावर 3 आएगा। अब यहां पर भी उसी तरह से लिख देंगे हम लोग, सीएम है, सॉरी सीएम का पावर 3 2979 1 क्यूबिक cm, क्यूबिक 2979 2979 1 क्यूबिक cm, cm है, सेंटीमीटर है। क्लियर? अब सी नंबर सवाल है, ए के बाद बी भी हो गया, सी भी हो गया। सी में हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। सी कितना है? 16 mm, यानी जो 16 mm। अब इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या लिखेंगे? इक्वल टू 16 mm, 16 mm, 16 mm। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करके जब ले आएंगे तो कितना आएगा? तो 4096 4096 मीटर का पावर 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? 4096 क्यूबिक mm, यहां mm का पावर 3 होगा। क्लियर? तो 4096। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनल एज ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज 15 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला। शुरू करते हैं। साइड ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 15 मीटर, एरिया लिखे चाहे साइड लिखे बात बराबर है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू साइड इनटू साइड इनटू साइड, 15 मीटर इनटू 15 मीटर इनटू 15 मीटर।
इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3375 मीटर क्यूब हो गया एंड 3375 क्यूबिक मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द वाटर टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग। फिर एक वाटर टैंक है, उसका डायमेंशन अलग अलग है, एक लेंथ है 8 मीटर, 5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, गहरा है 3 मीटर यानी उसका हाइट है 3 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, उस टैंक का कैपेसिटी निकाल लिया, इन लीटर में निकालना है, और बोला है कि इफ 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर हो तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा बताइए। लेंथ ऑफ द टैंक 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ द टैंक 5 मीटर, हाइट ऑफ द टैंक 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ द टैंक एल गुना बी गुना एच लिख लिया, बराबर क्या 8 मीटर 5 मीटर और 3 मीटर इक्वल टू 120 मीटर का पावर 3 यानी मल्टीप्लाई कर लिया एक्स 120 क्यूबिक मीटर। आप देख लीजिए 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 120 में क्या इतना होगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 पर से 1000 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 120 पर 3 जीरो हो गया, उतना लीटर इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए सॉलिड मेटल ब्लॉक इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। इट इज कट इनटू सॉलिड ब्लॉक, सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द मेजर साइज, सेम साइज एक ही तरह का कटिंग किया गया। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इफ ईच साइड मेजर 5 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये डस्टर है, ये 25 सेंटीमीटर लंबा बोला है, 25 सेंटीमीटर लंबा हो गया, क्लियर। फिर 15 सेंटीमीटर वाइड, ये चलिए 15 सेंटीमीटर वाइड हो गया, क्लियर। एंड 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर ये हाइट हो गया। यानी इस तरह का ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक मान लीजिए, वुड का ब्लॉक मान लीजिए। अब इसमें 5 सेंटीमीटर का, यानी जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो जो खेलते हैं उसका डाई जो होता है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबा हो, 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 5 सेंटीमीटर गाढ़ा हो, यानी इस प्रकार मान लो कटिंग किया हो, क्लियर। अब इस वैसा वैसा ब्लॉक इसमें से कटिंग करके निकालेंगे तो कितना ब्लॉक आएगा वही आपको मालूम करना है, क्लियर। यदि हम लोग पिक्चर बनाएंगे तो पिक्चर का मतलब ये हो जाएगा, बहुत बड़ा पिक्चर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, चलिए पिक्चर की जरूरत नहीं है। अब क्या है, लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द ब्लॉक 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ब्लॉक 10, इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू एल गुना बी गुना एच, 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है। साइड ऑफ कटिंग ब्लॉक जो काट के निकाले हैं उसका साइड कितना, 5 सेंटीमीटर। अब उसका वॉल्यूम ऑफ द कटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू साइड इनटू साइड इनटू साइड, 5 सेंटीमीटर इनटू 5 सेंटीमीटर इनटू 5 सेंटीमीटर, क्लियर। यहां भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक मेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी ब्लॉक, बिग ब्लॉक यानी सबसे पहले जो बड़ा ब्लॉक था उसका वॉल्यूम, अब आई में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ब्लॉक जो हम काट के निकाले वो, तो बिग ब्लॉक का कितना, 25 cm, 15 cm, 10 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm। कहने का मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे समय लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे समय लगेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे समय लगेगा, उस समय को बचाने के लिए हम लोग यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर कटिंग जो करना है, जो कौन कौन कटने वाला है, ACM कट गया, ऊपर ऊपर CM कट गया, अब ये 5 से काट देंगे, 5 या 25 है, ये 5 कैंसिल, अब एक 5 बच रहा है, तो 5 से यहां काटेंगे, 5 3 या 50, अब देखिए 10 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगी, दिस इज द आंसर। अब आपका सेंटीमीटर वगैरह है ही नहीं,
ब्लॉक की संख्या क्या होगी? एक दो तीन चार, इस तरह समझ लीजिए कितना है, 30, कितना है 30। अब चलिए इसी का हम लोग जो बोले कि जो इसका पिक्चर बना लेना चाहिए, तो चलिए पिक्चर हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना के देख लेते हैं पिक्चर कैसा बनता है। मान लीजिए बड़ा सा ब्लॉक है, ये ले लीजिए बड़ा ब्लॉक, ये बड़ा सा ब्लॉक है आपका। अब इसमें से आप लोगों को बनाना है कितना निकालना था, 5 सेंटीमीटर का। ऐसा ब्लॉक इसमें से कटिंग करके निकालना था, इसमें से ऐसा ऐसा हम लोग को मालूम करना है। तो कितना है, तो देखिए यहां पर 30। नियम क्या है कि ये सारा वॉल्यूम इकट्ठा करेंगे तो इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना वॉल्यूम इसका भी हो जाता है, यानी जो कट पीस निकला है तो क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, इतना आएगा उतना नंबर आएगा उतना हमारा ब्लॉक बनेगा, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग साइन नंबर 76 का 5 से लेकर 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर। क्लास 5 में आप लोगों को क्यूब और क्यूबाइड का ही वॉल्यूम मालूम करना है, ना आप लोगों को मालूम करना है कोन का, ना स्फीयर का, और ईटीसी सिलेंडर वगैरह का नहीं मालूम करना है। केवल दो को आप लोगों को मालूम करना है, क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है। क्लास 5 में अभी आप लोग का स्टैंडर्ड में यही पढ़ना है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम आज हम लोग समाप्त कर लिए क्लास 5 स्टैंडर्ड का। हम सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और पेरिमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।